हे एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए चेकमेट के पार्ट फोर को शुरू करते हैं। अच्छा, मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। कल का पार्ट सुनकर बहुत सारे लोगों को अजीब लगा। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि वो ये स्टोरी आगे नहीं देखना चाहते हैं, और ये झटका था, ये लिटरली एक झटका था। इस पर मुझे येलो डॉलर पे मिला, कोई बात नहीं। तो क्या बात है कि अभी तो बस शुरुआत है इस स्टोरी की, ठीक है। जैसे जैसे एंड आएगा उसमें बहुत सारे ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट तो ऐसा है कि आपको लगेगा यार ये क्या बात हुई, मतलब अगर ये बात पहले होती, पहले मुलाकात में, तो ये स्टोरी कितनी अलग होती, एक लवली रोमांटिक स्टोरी हो जाती। लेकिन ये चीज़ें ही ऐसी है। जैसे कि आपने देखा, वो एक गांव से आया हुआ लड़का है, जान सिटी में रहने वाला रूथलेस एम्पायर का मालिक है। उसको उसके एनवायरनमेंट ने ऐसा बना दिया है, ईबो के एनवायरनमेंट ने ऐसा बना दिया है। ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरह है, और ये दोनों के बीच में टकराव हुआ है अभी पहली बार। और ईबो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। वो जिस गांव में रहता है, जिस माहौल में पड़ा है, पला बड़ा है, वहाँ पे लड़के लड़कों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता था। उसे कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो अभी तो एक एक राज खुलेगा। अभी तो आज के पार्ट में जो होगा उसे देखकर आप बोलेंगे कि यार दी आप ये क्या बोल रही हो, ये आप कितनी गलत बातें बोल रही हो, ईबो के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा बेबी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ग, मेरा सब कुछ, और इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ट्रस्ट मी यार, मैं भी हैप्पी एंडिंग की दीवानी हूँ। मैं जान और ईबो को हर स्टोरी में मिलाती हूँ, बस सिनारियोस थोड़े से अलग 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 होते हैं। उनके रास्ते तो मिलने ही है, उनके बीच में प्यार तो होना ही है 101%। तो बस ये है कि अभी तो दोनों के बीच में प्यार नहीं है। अभी तो बस जान ने ईबो को देखा है और पहली नज़र में उसे ईबो से ऑब्सेशन हो गया है। इस चीज़ को प्यार नहीं कह सकते, प्यार तो वो बाद में रियलाइज़ करेगा। लेकिन और ईबो एक बात जान से बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पाया, और वो बात क्या थी ये बात तो लास्ट पार्ट में पता चलेगी, और शायद से इसके 15-20 पार्ट बन जाए, होप सो, क्योंकि मेरी ये लॉन्ग स्टोरी होने वाली है। अभी तो मैंने इसका टर्न बैक फॉर वाइल करके पहला चैप्टर है, जब मेरी स्टोरी डिलीट हुई थी उसके 15-20 चैप्टर पहले से ही थे, और उसके बाद मैंने इसकी समरी लिख दी फर्स्ट चैप्टर में। तो मैं तो उसके सेकंड पैराग्राफ पर ही आई हूँ अभी तक, कि जान ईबो के साथ गलत कांड कर देता है। तो इसके बाद ईबो पर क्या इम्पैक्ट होगा, ईबो क्या करेगा और क्यों करेगा, क्यों करेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो करता है वो चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग होती है। तो भरोसा रखिए, यहाँ पर मैं ईबो की मेंटल कंडीशन को दिखाने वाली हूँ कि उसका दिमाग क्या सोचता रहता है, वो किस तरह से अपने डिसीजंस लेता है। और हाँ, ये स्टोरी जब मैंने लिखी थी तब ये फैंडम इतना बड़ा हुआ नहीं था। अभी तो इस फैंडम में कुछ भी हो रहा है, किसी भी ड्रामा को उठाते हैं उस पर स्टोरी बना देते हैं। शाहजहाँ और ईबो के बहुत सारे ड्रामाज आ चुके हैं, बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है जिसे हम अच्छे अच्छे स्टोरीज़ बनाते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल हैं जिनके स्टोरीज़ आप सुनते हैं, वो भी किसी ना किसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर स्टोरीज़ बनाते हैं। लेकिन ये स्टोरी लगभग 4 साल पुरानी है, जब मैं खुद इस फैंडम में नहीं थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, मतलब यहाँ पर ईबो को ये बात गवारा ही नहीं थी कि एक लड़के के साथ एक लड़के का रिलेशनशिप हो सकता है। बॉयज़ लव उसके लिए थिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो आपको भी इस स्टोरी को इसी तरह से देखना होगा कि एक गांव का गवार लड़का है और उसे पता ही नहीं है कि कोई लड़के से प्यार भी कर सकता है या फिर कोई लड़का उससे प्यार कर सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, लेकिन मैं बस इसका बैकग्राउंड बना रही हूं कि ईबो का माइंडसेट ये है कि उसे पता ही नहीं है कि दो लड़कों के बीच में प्यार हो सकता है, जबकि सिटी में ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। मिस्टर शाह ने काम की वजह से ही सही अभी तक किसी को अप्रोच नहीं किया, और कोई और तो उनको अप्रोच कर ही नहीं सकता। एक तरह से मिस्टर शाह को
पहली नज़र वाला प्यार हो गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। उन्होंने इबो को देखते ही पसंद किया, उसे उठाया, उसे अपने साथ ले गए और उसके लिए हद से ज़्यादा पॉजेसिव हो गए कि ये मेरा है और इस पर किसी की नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये दो माइंडसेट है बिल्कुल अलग अलग। उनकी मेंटल स्टेट अलग है, उनकी मतलब वेल्थ अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, और इन दोनों को हमें मिलाना है स्टोरी के ज़रिए। तो बस इतनी चीज़ याद रखिए कि ये दोनों कैसे मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं और उनकी लव लाइफ कैसे शुरू होती है। बहुत दिक्कतें हैं, मतलब कहाँ चांद और कहाँ सूरज, इनको मिलना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार कैसे होगा, तो यही हम देखेंगे इसमें। साथ में जिनलिंग और म्याम्या भी है। तो एक ये कॉलेज कैंपस लव स्टोरी है, टीनेज लव स्टोरी है, और ये दोनों बहुत मासूम हैं। म्याम्या भी मासूम है, जिनलिंग भी मासूम है, और उनकी मतलब जैसे नेचुरल प्यार होता है वो इन दोनों के बीच में होगा। दूसरी तरफ शाई नेचर का जो चेंग है और डैशिंग मेंगजी है, उन दोनों के बीच में भी प्यार होगा। तो वो कैसे होगा वो भी हम इस पे देखेंगे। और इस कहानी में मेन यही 6 कैरेक्टर्स हैं, उनके आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे कि यूबिन हुआ जो मेंगजी का भाई है, उसका इतना भी ज़्यादा रोल नहीं है। और बाकी के कैरेक्टर्स तो है ही नहीं, सर्वेंट्स है, बॉडीगार्ड्स है, सिक्योरिटी है और मैनेजर्स वगैरह है, तो उनके मैं नाम भी नहीं लूँगी। उनको डायरेक्ट उनके जो पद है उनका, उसी से उनको रिकॉग्नाइज करेंगे हम, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंट रोल है ही नहीं। इबो के पेरेंट्स है, मैम्या के पेरेंट्स है, लेकिन उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। और इसका जो विलन है, उससे तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये चीज़ विलन हो सकती है, ये चीज़ इनको परेशान कर सकती है। ठीक है, ये स्टोरी बहुत अलग है, मतलब ऐसा नहीं है हीरो है, हीरोइन है, विलन है और विलन उन पे आके अटैक करता है, ऐसा नहीं है। उस विलन ने कहीं ना कहीं मेंटल डैमेज कर रखा होता है इबो का, ठीक है, और उस मेंटल डैमेज से इबो कैसे उभरता है, ये स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए अब बैकग्राउंड की बातें बहुत हो गई, अब आते हैं मेन स्टोरी पे। तो अब तक हमने देखा था इबो और म्याम्या सुकून से सो रहे थे, और इस बात पे गौर कीजिए, दोनों भी सुकून से सो रहे थे। ऐसा नहीं था कि इबो बहुत परेशान था, क्योंकि वो परेशान था ही नहीं, उसे बहुत सुकून मिल गया था। जैसे वो काफ़ी दिनों बाद, जैसे पहली बार वो अपने आप से मिला हो, उसे आज तक पता ही नहीं था कि वो असल में है क्या। वो एक गे है, उसे लड़के पसंद है, और ये चीज़ उसे पता ही नहीं थी। और आज जब उसकी कहीं ना कहीं फिज़िकल नीड, उसकी मेंटल नीड और बहुत सारी नीड्स कंप्लीट हो गई थी, चाहे वो रफ वे में ही सही, जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था, इस वे में ही सही, लेकिन वो कंप्लीट हो गई थी, तो वो सही जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये एक शौक भी था उसके लिए, तो वो इस शौक से कैसे उभरेगा ये हम आगे देखेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर शाह ऑफिस चले गए थे, आज हमेशा की तरह थोड़ा बहुत वर्कलोड था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म किया। दोपहर 3-4 बजे तक वो वापस आ गए। तब तक इबो म्याम्या दोनों भी जगने की हालत में आ चुके थे, मतलब इबो की भी नींद पूरी हो गई थी और इधर म्याम्या का भी जो डोज का इंजेक्शन का टाइम था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मिस्टर शाह जल्दी घर आ गए, उन्होंने इबो को मतलब ऑइंटमेंट लगाया हुआ था उसका, मतलब सही से इलाज भी कर रखा था। तो उन्होंने देखा इबो स्क्रीम कर रहा है, वो उठने वाला है, तो उसे सहारा देकर उठा लिया। तो इबो ने कुछ नहीं किया, वो बस नॉर्मली खड़ा था, उसके लिए एक शॉक था जिससे वो रात भर गुजरा था। वो सैटिएटेड था, मतलब उसे अंदर से शांति महसूस हो रही थी, उसका दिल शांत हो चुका था, जिसने अभी तक बहुत सारे तूफानों का, जो उसकी 24-25 साल की ज़िंदगी थी, उसने बहुत सारे तूफानों का सामना किया था, ऐसे शॉक्स का सामना किया था कि वो मतलब उन चीज़ों को वो सह भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, ऐसी चीज़ें उसने देखी थी। और उस सब से
ये बहुत अलग था। उसे सुकून मिल गया था, वो शांत था। और इसी शांति के साथ साथ एक और प्रॉब्लम था कि वो बचपन से इतने शौक से गुजर चुका था कि उसकी एक हैबिट बन गई थी कि उसे जब भी शौक लगता वो अपनी मेमोरी भूल जाता। तो इसी तरह से और वो रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो इबो की अभी भी मेमोरी चली गई थी और उसे एमनिशा हो गया था। वो भूल गया था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसके कोई रिलेटिव भी है, सब कुछ भूल गया था। तो जैसे ही जार ने उसे उठाया, इबो ने उसकी तरफ देखा, बस देखा, कुछ नहीं किया। जार ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? इबो ने जवाब दिया। जार ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? हालांकि उसे तो सब कुछ पता था। तो इबो ने बस जान की तरफ देखा। जान को कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि इबो शॉक में है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो उसने खुद ही कहा, इबो। इबो ने फिर से जान की तरफ देखा और ऐसे इशारा किया कि जैसे वो कहीं उसे तो नहीं पुकार रहा है। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। जान ने कहा, इबो, तुम इबो ही हो ना? इबो ने कुछ सोचा और फिर हाँ में सिर हिलाया। तो जान ने कहा, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? इबो ने इस पर कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो जान ने फिर से पूछा, तुम्हें भूख लगी है? इबो के पेट में तुरंत आवाज़ हुई। उसे सच में भूख लगी थी और बहुत ज़्यादा। मतलब कल से तो उसने सुबह से कुछ थोड़ा सा नाश्ता करके जो वो स्कूल गया था उसके बाद तो उसने कुछ भी नहीं खाया था। हाँ, वो वाइन वाली बात अलग है, उसे हम खाने में काउंट नहीं करेंगे। तो उसे भूख तो बहुत लगी थी। तो जान ने उसे थोड़ा जूस पिलाया ताकि उसकी सेहत सही रहे। उसके बाद उसने इबो से कहा कि कपड़े पहनो और मेरे साथ बाहर चलो। ऐसा नहीं था कि जान उसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, ना ही ऐसा था कि वो उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। बस वो उसे बात कर रहा था एकदम कैजुअल, कि जैसे वो किसी बीमार आदमी से बात कर रहा है कि उठो चलो बाहर जाना है। तो इबो ने उसकी बात मान ली। उसने देखा कि उसके कपड़े बदले हुए हैं, तो उसने बस उसकी तरफ देखा, अपने कपड़ों की तरफ। तो जान ने कहा, चेंज कर लो। इबो ने बस जान की तरफ देखा और सर झुका लिया। जान ने उसे वॉक इन क्लोज़ेट का रास्ता दिखाया, वार्डरोब का। तो इबो उस तरफ चला गया। जान ने उसे एक सेट कपड़े दिए। तो इबो वो लेकर बाथरूम की तरफ चला गया जहाँ जान ने इशारा किया था। इबो अब बाथरूम में पहुंच गया। वो बड़ा ही लैविश बाथरूम था, लेकिन इबो की नज़रें सिर्फ सामने वाले पूरे हेड के मिरर पर थी। तो उसने एक एक करके अपने जो रोब्स हैं वो उतारे, नाइट रोब्स। तो जैसे ही उसने शर्ट खोला, उसने अपने आप को देखा। मतलब उसके नेक पर बहुत सारे निशान थे, बॉडी पर बहुत सारे निशान थे, और इबो पूरी तरह से कपड़े खोल के आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने आप को देखा, उसके दिल में बहुत सुकून था और उसने ये बात अपने बॉडी के उस निशानों से जोड़ ली कि हाँ, मुझे अगर इतने सारे, मतलब ये मेरे रेस्क्यूअर है या फिर ये चीज़ें मेरे ऊपर है तो मुझे सुकून है। ऐसा उसे मतलब फील हुआ कि जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, ग्रीन कलर को देखते हैं तो हमें सुकून मिलता है, कि बारिश, जैसे बारिश वाली फीलिंग आती है, या फिर बारिश की आवाज़ भी सुनते हैं तो हमें, हमारे दिल में ठंडक हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी तरह से इबो के दिमाग ने उन चीज़ों को उसके मन की शांति से जोड़ लिया कि हाँ, ये चीज़ मुझे सुकून देती है, उन्हीं चीज़ को, उन निशानों को। तो वो उन निशानों को छूने लगा बड़े प्यार से। उनमें हल्का सा पेन भी हो रहा था और इबो को वो पेन बहुत प्यारा लग रहा था। कहते हैं ना, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, वैसे ही वो हर उस निशान को छू रहा था। और हर छुअन के साथ, हर उस हल्की सी स्टिंग के साथ, उस दर्द के साथ
उसके चेहरे पर स्माइल आ रही थी। इवो जो मुश्किल से मुस्कुराता था, वो म्यामा के साथ रहता था, वो खुश भी होता था लेकिन कभी मुस्कुराता ही नहीं था। तो वो मुस्कुराया बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे उसकी खोई हुई चीज़ उसे मिल गई हो। और वो मुस्कुराया और फिर उसने कपड़े चेंज किए जैसे कि जहान ने कहा था, तो वो वापस से जहान के पास आ गया। इसके बाद जहान उसे लेकर उस रूम से बाहर निकला। जहान खुद तो बाहर चला गया लेकिन इबो ने वो चौखट नहीं लांगी, वो वहाँ से बाहर नहीं जा रहा था। तो जहान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। उसकी आवाज़ सुनते ही इबो जैसे रोबोट की तरह उस चौखट को लांघकर आगे चला गया। तो जहान सीधा उसे म्यामा के पास ले गया। इधर म्यामा भी जग चुकी थी, जिनलिंग अभी भी घर पर नहीं था। तो म्यामा ने जग कर यहाँ वहाँ देखा, वो परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर जहान और इबो आ गए और इबो जहान ने जो उसका हाथ पकड़ा था उसे देख रहा था जैसे कि वो उसका सेवियर हो। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसके बदन में जो भी दर्द हो रहा था, उसके बावजूद भी उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। एक गुड वाली फीलिंग होती है ना, वैसे वाली। तो वो स्माइल कर रहा था। इधर म्यामा बेड पर बैठे बैठे इधर उधर देख रही थी, परेशान हो रही थी कि वो कहाँ है। पर तभी उसके सामने जान और इबो आ गए और म्यामा की नज़र सबसे पहले इबो पर गई, यहाँ तक कि उसने जान को भी नहीं देखा। इबो पर गई, उसके चेहरे पर गई, उसके स्माइल पर गई और उसका तो जैसे दिन ही बन गया। मतलब इबो स्माइल कर रहा है, जिस चीज़ की म्यामा हमेशा कोशिश करती थी। एक टॉम बॉय होने के बावजूद वो इबो के सामने बिल्कुल जोकर बनती थी, नखरे करती थी, उसे चिढ़ाती थी ताकि इबो मुस्कुराए, इबो खुश रहे। और आज पता नहीं कैसे इबो खुश हो गया। उसने जान के हाथ में इबो का हाथ देखा तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं ये समझ गई कि इस बंदे की वजह से उसके अंकल इतने खुश हैं। अब शाहजहाँ ने प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन म्यामा को दिया। वो एक अथॉरिटी होल्ड करने वाला पर्सन है, उसकी आवाज़ स्ट्रिक्ट है, शांत है। तो उसने म्यामा को खुद का इंट्रोडक्शन दिया और फिर इबो से कहा कि तुम भी बोलो। इबो तब तक नहीं बोला जब तक जहान ने कमांड नहीं की, जैसे कि उसके अंदर तभी ट्रिगर होता था जब जहान कुछ बोलता था। तो इबो ने भी म्यामा से कहा कि तुम कैसी हो। अब जान ने इबो को ये तो पूछने के लिए नहीं कहा था कि तुम कौन हो, इबो उसे पहचानता नहीं था, लिटरली इबो म्यामा को भूल चुका था। लेकिन उसने ये पूछा कि तुम कैसी हो। म्यामा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये देखकर और भी ज़्यादा खुश हूँ कि आप मुस्कुरा रहे हो। इबो फिर से मुस्कुराया। म्यामा का दिल गार्डन गार्डन हो गया कि उसके अंकल मुस्कुरा रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में छोटी मोटी बातचीत हुई। जान हर बार इबो से कहता, उसे ये पूछो, उसे वो पूछो। और म्यामा को ऐसा लगने लगा कि ये दोनों बहुत क्लोज है और वो थर्ड पर्सन बन गई है। लेकिन उसने ये बात बहुत ज़्यादा फील हो इतना तो वो नहीं थी, मतलब उतना उसने सोचा ही नहीं। वो तो इसी बात में खुश थी कि वो खुश है, उसके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती थी कि वो खुश है और म्यामा बहुत खुश थी। इसके बाद वो दोनों की छोटी सी मुलाकात हो गई। अब जहान ने म्यामा से बड़ी शांति से कहा कि वो ओरिजिनली हाई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो उन दोनों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। और जहान और इबो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने पीछे मुड़कर इबो की तरफ देखकर कहा, है ना इबो। इबो ने बस हमें सिर हिलाया और वो मुस्कराया फिर से। उसकी मुस्कुराहट अब अजीब लगने लगी थी लेकिन फिर भी इबो के लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती थी। उसे अच्छा लग रहा था, वो मुस्कुरा रहा था और जहान को फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने वो बस इबो की आंखों की तरफ देख रहा था। और म्यामा इबो को खुश देखकर खुश थी। इसके बाद जहान ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि आज शाम को हम दोनों शादी कर रहे हैं। म्यामा के लिए बहुत बड़ा शौक था क्योंकि वो भी तो गाँव की लड़की थी, उसे भी पता नहीं था कि लड़का लड़के से शादी करता है। तो जान ने उसे कहा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये चीज़ सिटी में नॉर्मल है, आप जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हो। म्यामा तुरंत हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। उसने कहा,
फिर तो बहुत सारे प्रिपरेशंस करनी होंगी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपके रोब्स तैयार नहीं है, कोई यहाँ पर मॉन्क नहीं है, आपकी शादी कैसे होगी? तो झार ने कहा, हम बस मैरिज रजिस्टर करने वाले हैं। एक्चुअली ये चाइना का रूल है कि पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन करनी होती है और उसके बाद 2 साल बाद 3 साल बाद जब चाहे तब वो प्रॉपर शादी करते हैं। एक्चुअली नए जोड़े ये सब चीज़ें करते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपने मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं, उसके बाद जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है कि वो एक प्रॉपर सेरेमनी अरेंज कर सके, तब जाके वो मैरिज करते हैं और सर्टिफिकेट साइन करने के बाद ही वो एक साथ रहने लग जाते हैं। तो वो ये चीज़ भी मैं को कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा था, तो वो ये समझ गई कि अभी तो मैरिज रजिस्ट्रेशन होने वाला है और उसके बाद प्रॉपर शादी तो बाद में होगी। मैं बहुत खुश हो गई। तभी जान ने पीछे से सर्वेंट को बुलाया और उसे ये ऑर्डर दिया कि वो मैं को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर ले, चाहे उनका मैरिज रजिस्टर ही हो रहा हो। लेकिन शाहजहान कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेमोरेबल बनाना चाहता था, तो उसने खुद की ग्रूमिंग करवाई, इबो की करवाई, जिनलिंग और मैमा को भी अच्छे से तैयार करवाया। शाम हो गई और जान वैसे ही इबो को हाथ से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे लेकर आया, जहां पर मैमा, जिनलिंग और वो रजिस्ट्री ऑफिसर पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। जान ने साइन किया, उसके बाद इबो ने भी साइन किया और उन दोनों की शादी हो गई। शाम को उन्होंने एक अच्छा सा डिनर किया और उसके बाद जान फिर से इबो को लेकर अपने विंग में चला गया। साथ में उसने मैम और जिनलिंग से भी कह दिया कि उन दोनों को भी अपने अपने स्टडीज़ पर फोकस करना है और उन्हें फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इशारा जिनलिंग की तरफ था कि उसे रोमियो नहीं बनना है। अब मैम्या के लिए उसका एक अलग से कमरा बनवाया गया, उसके लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें रखवाई गई। वैसे ही जिनलिंग का कमरा उसका खुद का अलग कमरा था, यहाँ तक कि उन दोनों के कमरे के बीच में एक बैरियर भी बनवाया गया जिससे जिनलिंग जब चाहे तब मैम्या के कमरे में नहीं घुस सकता। वैसे भी जिनलिंग के अपने अंकल को देख के फटती थी, वो क्या घुसेगा। हाँ, ये तो उसने बस मौके पर चौका मार दिया कि उसने मैम्या के साथ एक बेड पर सोकर रात गुजारी। हाँ हाँ, उसकी धड़कने सुनते हुए। पर अब मैम्या, जिनलिंग और जान और ईवो की लाइफ तो सेट हो गई। मैम्या की नज़र में तो ये मैरिड कपल है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। वैसे भी वो रोज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो साथ में ही करने वाले थे, पर अगले ही दिनों से पता चला कि ईवो ने जॉब क्विट कर दी है। हालांकि वो शाहजहान के साथ रोज़ का ब्रेकफास्ट नीचे डाइनिंग टेबल पर ही आकर करता था, सभी लोग डिनर भी साथ में करते थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलने लगी थी। जैसे इबो मैम्या पर कम फोकस्ड था, मैम्या को लगा ये उसके लिए स्पेस दे रहा है। वैसे भी वो एक मैरिड कपल के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी और इबो घर को संभालना चाहता था, तो वो ही सही। लेकिन एक्चुअली इबो घर को नहीं संभाल रहा था, वो तो शाहजहान के कमरे से बाहर भी नहीं आ पाता था जब तक शाहजहान उसे खुद लेकर ना आए, क्योंकि उसने उसे कहा था कि वो इस चौखट के बाहर नहीं जा सकता। ऊपर से उसके वो ऑर्नामेंट, मतलब जो कुछ भी उसके शरीर पर था, वो चीज़ अगर थोड़ी सी भी फेड होने लग जाती तो ये वो कांपने लग जाता। वो शाहजहान से जाकर रिक्वेस्ट करता कि उसे वो चाहिए, उसे उसका फ्रीडम वापस चाहिए। और कभी शाहजहान कभी शाहजहान कुछ और कामों में उलझ जाता तो इबो इतना अग्रेसिव हो जाता, इतना वाइल्ड हो जाता कि शाहजहान से संभले नहीं संभलता था। अब ये उन सब की रूटीन लाइफ बन गई, जैसे शाहजहान का रोज़ काम पर जाना, जल्दी वापस आना, क्योंकि जब तक शाहजहान नहीं कहता इबो पानी तक नहीं पीता। शाहजहान ने उसे फ़ोन भी दिया था लेकिन इबो उस फ़ोन का इस्तेमाल ही नहीं करता था, ना मैसेज देखता, ना कॉल पिक करता। शाहजहान ने अपने बेडरूम में भी सीसीटीवी लगाया था ताकि वो सिर्फ इबो को देख सके, क्योंकि वो किसी भी और तरीके से शाहजहान से कनेक्ट नहीं होता था, वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं जाता था। और कहीं ना कहीं शाहजहान को इस चीज़ की फिक्र थी, हालांकि वो इसे कभी एडमिट नहीं करता था। उसका कहना था कि वो इबो को एक पेट की तरह रख रहा है, वो इबो को
अपने आगोश में चाहता है, अपनी मुट्ठी में, वो उसे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ये बुक खुद ही इतना ज़्यादा सबमिसिव था कि शाहजहाँ को कभी फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो ये भी भूल गया कि वो डोमिनेंट बनना चाहता है, वो ईबो से अपनी हर बात मनवाना चाहता है। अगर ईबो से मना करता तो शाहजहाँ बाय हुक और बाय क्रूक उससे हर बात मनवाता, उसे कितना ज़्यादा पेन देता। लेकिन यहाँ तो ईबो को पेन चाहिए था, उसे मतलब वो एक अलग ही सोच के साथ जी रहा था और शाहजहाँ को कहीं ना कहीं उसकी फ़िक्र हो रही थी। एडमिट तो उसकी जुत्ती ना करे, लेकिन फिक्र तो हो रही थी। वो हमेशा अपने फ़ोन में अपने बेडरूम का सीसीटीवी चेक करता रहता, ये चेक करता कि वो कहाँ पर है, कहीं वो जिम में तो नहीं है। वो पूरा का पूरा विंग उसका बेडरूम था, वहाँ पर जिम भी थी, लाइब्रेरी भी थी, सारी चीज़ें थी जो ईवो को चाहिए थी। हाँ, बस जहाँ पर एक कॉर्नर था जहाँ शाहजहाँ अक्सर पेंटिंग किया करता था और उसके पेंटिंग का कलेक्शन भी वहीं रखा हुआ था। ईवो बस वहीं नहीं जाता था, वरना तो वो जिम भी यूज़ करता था, वो बाकी सारी चीज़ें यूज़ करता था, पर उसका सबसे फेवरेट काम था विंडो पे बैठ के शाहजहाँ का वेट करना। इसके अलावा तो ईबो ने सर्वेंट्स का भी उस रूम में आना मना कर दिया था, यहाँ तक कि अगर उसका पानी भी ख़त्म हो जाता तो वो नीचे जाकर पानी खुद से नहीं लेता था, ना किसी सर्वेंट को घुसने देता था। अगर शाहजहाँ ने ये देखा कि ईबो के पास का पानी ख़त्म हो गया है, ईबो को प्यास लगी है, उसको भूख लगी है, शाहजहाँ सर्वेंट से कहता कि रूम में ये रखवा दो वो रखवा दो, ईबो किसी को भी अपने रूम में आने ही नहीं देता था। वो रूम उसका था, वो प्लेस उसकी थी, वो उसे क्लीन भी करता, उसे ठीक ठाक से भी रखता, और अगर उसे किसी चीज़ की नीड हो और शाहजहाँ ने उसे नहीं दी तो वो चीज़ करता ही नहीं, वो उसे स्किप कर देता, वो पानी भी नहीं पीता। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल एक साइको की तरह हो गई थी। जितना शाहजहाँ उसके लिए पजेसिव था, जितना शाहजहाँ उसके लिए ऑब्सेस्ड था, ये वो उससे हज़ार गुना ज़्यादा था। वो उस जगह के लिए, उस रूम के लिए, शाहजहाँ के लिए हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। अब इस ऑब्सेशन का नतीजा क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक्चुअली आज छुट्टी है तो मेरे 2-3 वीडियोस आराम से बन जाते, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं, पूरा दिन बहुत सारा आवाज़ हो रहा था, इसलिए सॉरी कि आज मैं एक ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी 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 मैरिड स्ट्रेंजर्स, असासिन्स ब्रदर, चेकमेट, डेलाइट और अफेथ इन सब को लेकर आऊँ। ओके, ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया, बस डोंट वरी, बबल दी है तो क्या बात है। तो चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।